आपकी बार बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होने वाला, क्योंकि मेरे को कहीं बाहर जाना था, इसलिए मैं इसी तरह से वॉइस ओवर कर रहा हूँ। एंड एज यू कैन सी कि आउटपुट पे मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर कनेक्ट कर दिया, एंड पावर सप्लाई के लिए मैं यहाँ पर 0-12 का ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि 3 एम्पियर का है, नहीं जो कि 2 एम्पियर का है, एंड इसे कनेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर एज यू कैन सी कि ग्रेड एलईडी इंडिकेट कर गया। अब पोटेंशियल मीटर को रोटेट करके आप लोग इसे सेट कर सकते हैं 12.5 पर, मैक्सिमम आप लोग 13 वोल्ट तक सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं 12.5 तक सेट करूँगा ऑटो कट के लिए। एंड घुमाते रहेंगे तो देखो एज यू कैन सी कि आप देख पा रहे होंगे कि ग्रीन एलईडी इंडिकेट कर रहा है। अब इसे आप सेट करके 12.5 पे कर दीजिए, आप 13 पे कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ, वोल्टेज को ऑलरेडी मैंने सेट कर दिया है। एलिगेटर क्लिप को लगा लेंगे हम लोग बैटरी पर। उससे पहले मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ कि कितना वोल्टेज है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 10.6 वोल्ट है। मैं इसको व्लॉग की तरह शूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कहीं मुझे जल्दी मैं बाहर जाना था, जिस कारण कि मैं इसको व्लॉग की तरह शूट कर रहा हूँ और फिर इसे चार्जिंग पर लगा के छोड़ दूंगा, फिर आकर आपको दिखाऊंगा कि कितना चार्ज हो चुका है। मुझे तो आए बहुत टाइम हो गया, लेकिन मैं आपको 2 घंटे का टाइम स्टैम्प बताऊँ। गाइस यहाँ पर हमारा बैटरी फुल चार्ज हो गया है कि नहीं एलईडी इंडिकेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख पा रहे होंगे ग्रीन एलईडी इंडिकेट कर गया। अब मैं आपको बैटरी का वोल्टेज भी चेक करके दिखाता हूँ फटाफट से। पहले मैं डिसकनेक्ट कर देता हूँ ट्रांसफार्मर को, बैटरी को भी मैंने डिसकनेक्ट कर दिया, मल्टीमीटर को वापस से 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर देता हूँ। एंड एज यू कैन सी कि 12.9 वोल्ट शो कर रहा है। इसमें लगा के भूल गया था, अपने काम से कुछ बाहर चला गया था। एंड ये बैटरी फुल चार्ज हो चुका है। बैटरी फुल चार्ज होने के बाद ऑटो कट हो गया और ग्रीन एलईडी इंडिकेट कर गया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे आपको कुछ बिहाइंड द सीन दिखाओगे, वैसे मैं एक और सर्किट वर्क कर रहा था जो कि वर्क नहीं किया बूस्ट कन्वर्टर के ऊपर, और यह है कुछ बिहाइंड द सीन। इस तरह से मैसी हो रखा है, पूरा फैल रखा है सामान। इग्नोर करना जरा, ये पुट्टी बुट्टी गिर रहा है। मैं गरीब हूँ। यही कुछ सेटअप है मेरा, जहाँ पर की वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। वैसे आप लोग इस ओल्ड SMB से बहुत कुछ बना सकते हो। इसमें ट्रांसफार्मर बड़े काम की चीज़ है, कैपेसिटर हो गया, ये ट्रांजिस्टर तो ख़राब ही हो गया। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।